हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को मैं एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि चैप्टर का नाम है लाइट। इससे क्या होता है कि सारे कंपटीशन में एक न एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों में हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें प्रकाश से क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। इसलिए इसका हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देर ना करते हुए हम आते हैं वीडियो पे। क्या है देखिए, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को उत्तेजित करके जिससे वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई पड़ती है। ये मेरा प्रकाश होता है। उसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, प्रकाश के गुण कई सारे इसके गुण हैं। क्या इसके कई सारे गुण हैं? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। कुछ पॉइंट को हम लिख देते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, रेखा में चलती है, चलती है। दूसरा पॉइंट इसका लिख देते हैं, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। अपवर्तन का गुण होता है। नंबर फोर, प्रकाश की चाल आप लोग को पता ही होगा। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह वायु तथा निर्वात दोनों में क्या होती है? चाल समान होती है। वायु तथा निर्वात दोनों में चाल इसकी समान होती है। फोर्थ नंबर हो गया, फाइव नंबर लिखते हैं। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। इसी घटना के कारण प्रकीर्णन एक ऐसी चीज है, इसी घटना के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है तथा सूर्य जो ढलते समय हमें लाल दिखाई देता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता। परावर्तन का भी गुण होता है, और परावर्तन का गुण होता है मैंने बता दिया। अब हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहलाता है? फर्स्ट नियम में जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये मेरा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और दर्पण ये हमारा समतल दर्पण है, इससे टकराकर जो इस दिशा में वापस लौट जा रहा है ये मेरा क्या होता है?
परावर्तित किरण होता है। क्या होता है? परावर्तित किरण, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड होते हैं। और आपतित किरण, और ये जो मेरा सीधा जो है इसे हम अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल नाम देते हैं। तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो ये आई है मेरा, ये आई जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोण मेरा आर बनता है उसे हम परावर्तन कोण के नियम से जानते हैं। पहले नियम में क्या होता है कि आई इक्वल टू क्या होता है हमारा आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में बराबर होते हैं। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन नियम होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है कि जब आपतित किरण तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है? दूसरा नियम कहलाता है। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद एक नोट बना लीजिएगा, ये तो मान लीजिए फर्स्ट नियम था। ये सेकेंड नियम क्या होता है? सेकेंड वाला क्या कहलाता है? इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, लिख देता हूँ यहाँ आपको, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ये मेरा दूसरा नियम है। नोट बना लीजिएगा एक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। जब हमारा आपतित किरण इस समतल दर्पण पर कैसे आए? लंब के रूप में, यानी कि लंबवत आए, तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान शून्य होता है। ये लिखना है, जब आपतित किरण इसको मैं ऊपर लिखवा देता हूँ शायद, या फिर आप लोग लिख लीजिए, जब आपतित किरण समतल दर्पण के ऊपर लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान शून्य होता है। नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसे हम मिरर कहते हैं। दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? मिरर। दर्पण कांच का बना एक अपारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ कलई किया रहता है तथा दूसरा पृष्ठ चमकदार रहता है। कलई मतलब क्या होता है कि पेंट किया रहता है। क्या किया रहता है? पेंट किया रहता है। और दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबके बारे में हम बताएंगे आप लोग को, जैसा कि आपको पता भी होगा। एक मेरा समतल दर्पण होता है, एक मेरा उत्तल दर्पण, और एक मेरा क्या होता है? अवतल दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, तीनों दर्पण का अलग अलग काम होता है। और तीनों दर्पण होता कैसा है? देखिए,
प्लेन मिरर ऐसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये हमारा अंदर की तरफ पेंट किया जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमारा बाहर की तरफ पेंट किया जाता है, ये मेरा अवतल दर्पण हुआ। तीनों दर्पण हुए, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण इस टाइप का होता है, इसका क्या होता है कि एक भाग पेंट किया रहता है, दूसरा भाग चमकदार रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कांच का ऐसा दर्पण जिसका भीतरी भाग पेंट किया गया हो तथा उभरा हुआ भाग क्या हो, चमकदार हो, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा भाग पेंट किया गया रहता है और अंदर का भाग क्या रहता है, चमकदार रहता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है जो कि वस्तु के लंबाई के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आपका छोटा बनता है जो कि सॉरी छोटा बनता है लेकिन इसके पहले ये जानेंगे कि उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है जो कि वस्तु की लंबाई से छोटा होता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है और छोटा बड़ा बराबर तीनों बन सकता है अवतल दर्पण से। आइए इसे जानेंगे। देखिए प्रतिबिंब का बनना ऐसे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है जो कि वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। इस दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, किससे, समतल दर्पण से। और उत्तल दर्पण से क्या होता है, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, सदैव आभासी बनता है जो कि वस्तु की लंबाई से सदैव छोटा होता है। तो समतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, और अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बनता है, आभासी भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब तीनों हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग हमारा क्या है कि मोटर कार में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और अवतल दर्पण दूसरा इसका है, सड़क पर जो लैंप लगे हैं, जो पोल में लगे रहते हैं, स्ट्रीट लैंप जिसे कहते हैं, उसमें भी हमारा उत्तल दर्पण ही लगा होता है। और तीसरा क्या है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में जो सैलून में लगा रहता है वो क्या रहता है, अवतल दर्पण होता है। दूसरा क्या होता है कि नाक कान गला की जांच करने के लिए जो डॉक्टर जिस दर्पण का यूज करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण ही कहलाता है। आपको अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए पूरे का स्क्रीन शॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक कब बनता है, आभासी कब बनता है। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने जो रखी हुई वस्तु का आकृति जो दर्पण में दिखाई देता है वही मेरा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, पहला एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दूसरा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, अभी हमने पढ़ा है। और आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, समतल और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लीजिए, या तो मैं लिखवा देता हूँ कि दर्पण के सामने
रखी हुई वस्तु की आकृति जो दर्पण में दिखाई देती है, जो दर्पण में दिखाई देती है प्रतिबिंब कहलाता है। वह आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है कहलाती या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो कि सदैव अवतल दर्पण से बनता है। ऐसे लिख लीजिए। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मैंने बता दिया, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव हमें सीधा बनेगा और दिखाई सीधा दिखेगा और यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है परंतु हमें उल्टा दिखाई पड़ता है। लेकिन यही वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है परंतु सीधा दिखाई देता है। जैसे अवतल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है। नेक्स्ट, आभासी में क्या बनता है? अवतल और समतल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कैसे और भी देखिए दोस्तों, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। तो गोली दर्पण पहले कैसे हम ड्रा करते हैं? एक गोली दर्पण के लिए कोई खोखला सर्कल लेते हैं, जिसमें जिसका भी सर्कल रहेगा उसका कोई ना कोई सेंटर रहता है। तो सेंटर को सी से दिखाते हैं और सेंटर से लेकर जो यहाँ पे बिंदु कट होता है इसको मिलाने में, इसी का नाम होता है पोल, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। और इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मेरा मुख्य अक्ष कहलाती है। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु जो स्थित है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और दर्पण का ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य जो होता है उसे हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहते हैं। और वक्रता केंद्र सी तथा इस पोल के बीच की दूरी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण का एक एग्जांपल मैंने दे दिया है यहाँ पे, ऐसे अवतल दर्पण में चिन्ह कैसे कहाँ कहाँ रहता है, अवतल दर्पण में सारे चिन्ह कहाँ कहाँ रहते हैं। देखिए क्या होता है, ध्रुव क्या आता है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये गोली दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो कोई दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण हो गया, तो इसका मध्य बिंदु जो होता है वही मेरा क्या कहलाता है, इसे ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज है वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये कोई देखिए दर्पण है, एक खोखला गोला है, इसका जो सेंटर है इसी को हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तीसरा चीज है वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी, दर्पण का ध्रुव कहाँ है, देखिए यहाँ है, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा वक्रता केंद्र कहाँ है, ये है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए कैपिटल आर रखा हुआ है, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को हम वक्रता
त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी चीज क्या है, मुख्य अक्ष दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसको हम इधर भी मिला सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु क्या हुआ, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसे यप से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस की बिंदु क्या है, आपका दर्पण का ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु आता है वही मेरा क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, दर्पण वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु। उसके बाद फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव तथा फोकस बिंदु, अब दर्पण का ध्रुव ए है और फोकस बिंदु ए है, इनके बीच फोकस बिंदु के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण का साइन बन गया है और ये मेरा एक, मैं सर्कल के हिसाब से आप लोग को दिखा दिया हूँ कि ये कहाँ से बनता है। और एक उत्तल का लिए मैं बना देता हूँ, तो उत्तल के लिए कैसे बनेगा, तो उत्तल के लिए आपका ये हो जाएगा, ये मेरा एक उत्तल दर्पण हो गया और ये मेरा पी हो जाएगा। और इसका अब जब सर्कल इस टाइप में बना था तो हमने इस साइड सी रखा था, लेकिन अब सर्कल इस साइज में बन काट रहे हैं तो हम इस टाइप में यहाँ सी रखेंगे, यहाँ सी रख देते हैं। तो सी और पी की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, सी और पी की दूरी हमारी आर कहलाती है, तो यहाँ से यहाँ तक आर हो गई, ठीक है। और इन दोनों के मध्य क्या, इन दोनों के मध्य एक फोकस बिंदु होता है, जिसे हम कैपिटल एफ से रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो ये मेरा फोकस बिंदु हो गया। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच क्या होता है, मेरा फोकल लेंथ होता है, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये मेरा मुख्य अक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर भी आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि इस चित्र में सब दिखाया गया है। और वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ये सारा डिफिनेशन परिभाषाएँ आपके सामने हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और इसे अच्छे से समझे रहेंगे, तब आपको दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की स्थितियों का समझ अच्छे से हो जाएगा। आइए अब हम स्थितियों पर चर्चा करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। देखिए गोली दर्पण में प्रकाश किरणें आने का नियम, गोली दर्पण में प्रकाश किरणें आने का केवल तीन नियम है। पहला क्या होता है नियम, जब कोई किरण दर्पण से, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के जब समांतर जाता है, तो नंबर वन क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से वापस हो जाती हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण में टकरा रही है, अगर फोकस बिंदु से जा रही है, तो वो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या होता है, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो जिस दिशा में जाती है उसी दिशा से वापस लौट जाती है। फिगर है आपका, इसके माध्यम से देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु यप से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये मेरा मुख्य अक्ष था, इसके समांतर गई और दर्पण से क्या हुई, टकराने के बाद क्या हुई, फोकस बिंदु से वापस लौट गई। ये मेरा अवतल दर्पण है, ये मेरा उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से, डायरेक्ट फोकस से आने वाली प्रकाश किरण ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। डायरेक्ट फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर, ये अवतल दर्पण है और मेरा ये उत्तल दर्पण है। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसका मैं फिगर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, देखिए कैसा ये होता है, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है।
ये मेरा सी है और ये एफ है। अब इससे जो भी प्रकाश किरण आएगी ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी। सी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु है, तो ये प्रकाश किरण क्या हुई, आई, आने के बाद दर्पण से टकराई दर्पण में, और टकरा कर क्या हुई, इसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये मेरा P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, इस साइड अनंत होता है, ये मेरा मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाकर, ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ पे C होता है और यहाँ पे F होता है और यहाँ पे क्या होता है, R होता है। ये क्या होगी, इससे आएगी और इसी से क्या होगी, टकराकर वापस चली जाएगी, इसी से टकराकर वापस चली जाएगी। देखिए, तो सी से डॉट डॉट बना लेते हैं, ठीक है, और इसके आगे ऐसे कर देते हैं। तो आई किस माध्यम से हो, वक्रता केंद्र से आई और टकराई, और टकरा कर क्या हो गई, वापस चली गई, क्या हो गई, वापस चली गई। इसको डायग्राम इस तरह, तो वक्रता केंद्र से आई और टकरा कर क्या हो गई, उसी दिशा में क्या हो गई, वापस चली गई। और यहाँ से क्या होगी, टकरा कर वापस चले गए। इस प्रकार ये तीनों नियम आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद अब हम 6 स्थिति पे इसका डिस्कशन करेंगे कि कब कहाँ वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब कैसा हमें प्राप्त होगा।